नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज 28 जून 2020, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 28 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की। हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 27 जून को। क्या हम कह सकते हैं कि हाल ही में 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मझले आकार के उद्यमों का दिवस मनाया गया। हम यहाँ पर बात करें कि वर्ष 2017 के बाद से हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम इस दिन को स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके काम को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। ये उद्यम जो आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की एक कड़ी, मजबूत कड़ी के रूप में शामिल होते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं जो भारत में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो आपका दे रखा कि फिफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? फिफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से 2023 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अगर हम बात करें फुटबॉल फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को फीफा परिषद के सदस्य द्वारा डाले गए 35 वोटों में से 22 वोट मिले, इसमें कोलंबिया फुटबॉल एसोसिएशन को 13 वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें कि फीफा का मुख्यालय कहाँ हुआ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर? ज्यूरिख, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और अगर अपन बात करें कि फिफा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है जियांजी इन्फेंटिनो। कौन? जियांजी इन्फेंटिनो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की। क्वेश्चन नंबर तीन दे रखा कि हाल ही में किस सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र ने, कि हाल ही में महाराष्ट्र ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। अगर हम बात करें कि महापरवाना योजना के जो मुख्य बिंदु है, तो उनमें यह कह सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावित वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र, मतलब महापरवाना के साथ कई विभिन्न विभागों से लेगी मंजूरी, छूट देने में मदद दी जाएगी। अगर दोस्तों अपन बात करेंगे महाराष्ट्र की, यहाँ पर महाराष्ट्र ने शुरुआत की, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, और जो उसके राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। क्वेश्चन नंबर चार आपका दे रखा कि हाल ही में शीर्ष बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा कि भारत है जो पिछलकर स्वतंत्र स्थान पर पहुंच गया। कौन से स्थान पर? स्वतंत्र। अगर इसकी बात करेंगे, शीर्ष नेशनल बैंक मतलब SNB ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टेटिस 2019 की जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान पिछलकर स्वतंत्र स्थान पर आ गया है। अगर अपन पाकिस्तान की स्थिति देखें, तो पाकिस्तान इसमें 99 स्थान पर है। अगर अपन बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर इसमें ब्रिटेन का स्थान है, दूसरा अमेरिका का, और तीसरा वेस्ट इंडीज़ का, और भारत का कौन सा है? स्वतंत्र हुआ। अगर हम बात करें कि स्विस नेशनल बैंक SNB, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, और स्विस नेशनल बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह थॉमस जॉर्डन। कौन है? थॉमस जॉर्डन। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कि हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए उद्यमा के साथ साझेदारी की है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा यस बैंक। हम कह सकते हैं कि यस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए उद्यमा टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिलों जैसे नगर निगम, घर, जल, कर एवं बिजली का भुगतान करने के साथ साथ और रिटेल दुकानों जैसे EMI करने में सक्षम होगा। किस बैंक ने? यस बैंक के साथ ने शुरुआत की है। अगर अपन बात करें यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में। अगर अपन बात करें यस बैंक के MD और CEO कौन है, प्रशांत कुमार, और यस बैंक की टेक लाइन है वो एक्स प्रिंस और एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं 21 नंबर 6 की ओर। हाल ही में परवेज जामस जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वीर चक्र से सम्मानित। कौन थे वो वीर चक्र से सम्मानित थे। हम बात करते हैं कि वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित स्काइडर लीडर परवेज जामस जी का निधन हुआ है। अभी वे 1965 में सेना में हुए और 1985 में सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन बात करते हैं 21 नंबर 7 की ओर। हाल ही में विजडम इंडिया द्वारा जारी किए गए पोल के अनुसार किस क्रिकेटर को सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज माना गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राहुल द्रविड़ को। हाल ही में राहुल द्रविड़ को हम कह सकते हैं कि हाल ही में राहुल द्रविड़ को विजडम इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान बल्लेबाज, वो भी कौन सा, टेस्ट बल्लेबाज माना गया। द्रविड़ के इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर खिताब अपने नाम किया। कुल 11,400 प्रसंगों ने अंतिम दौर की वोटिंग में भाग लिया, जिसमें द्रविड़ को 52% वोट मिले। कितने? 52% वोट मिले। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि हाल ही में नई इन्वेस्ट लोन ऐप की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सचिन बंसल ने। कि हाल ही में सचिन बंसल ने, जो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक थे, कि सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवीन ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च किया। कौन सी किया? नवी लैंडिंग ऐप। किसने? सचिन बंसल, जो किसके संस्थापक थे, हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक। चलिए दोस्तों आज के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर करने का निर्णय लिया, मतलब उस मुख्यालय का नाम किसके नाम पर होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा मेरी डब्ल्यू जैक्सन। हाल ही में नासा ने Washington DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम, इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। यह जानकारी नासा के प्रशासक जिम ब्रेडस्टैन द्वारा जारी की गई है। यह किसके नाम पर? अगर अपन बात करें नासा का मुख्यालय, तो नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के Washington DC में है। ये थे दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत।